हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दही हंडी। 2024 का तड़कता भड़कता ब्रांड न्यू वीडियो आपके सामने है। और अभी आप देख रहे हैं ये जो है सीन, बिल्कुल भी मिस मत करना बिकॉज ये बहुत कमाल का सीन है। तो ये देखो, ये बंदा चढ़ गया है सबसे टॉप पे। अब देखते हैं कि ये क्या करने वाला है, लुढ़कता है या फिर तोड़ता है। और इसका हाथ पहुंच रहा है, ओ नो, यहाँ पर ये पॉज हुआ है। वो इसलिए बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये पूरा जो प्रोसेस है आप अच्छी तरीके से देखें। हाय, हाय अजीत, व्हाट्स अप, हेलो, हाय हाय, व्हाट्स अप, हेलो। तो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं दही हंडी जो तोड़ने की तैयारी। और ये सारे जो कॉम्प्लेक्स के दोस्त हैं, लोग हैं, ये सारे के सारे अब जुड़ चुके हैं मटकी तोड़ने के लिए। तो ये पहला अटेम्प्ट यहाँ पर किया जा रहा है और देखेंगे कि ये पहले अटेम्प्ट में तोड़ पाते हैं या फिर और अटेम्प्ट्स इनको यहाँ पर लगते हैं। वेल, बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा है, हर धर्म के लोग यहाँ पर इकट्ठा है और वो यही देखने के लिए मौजूद है कि ये जो ग्रुप है पूरे दही हंडी में जो पार्टिसिपेट किया है, ये कितने अटेम्प्ट्स में तोड़ता है और कैसे तोड़ता है। इसकी एक्साइटमेंट हमेशा से बहुत ही ज़बरदस्त रही है। और दोस्तों, पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में एटलीस्ट दही हंडी गोकुलाष्टमी भी कहते हैं, जन्माष्टमी भी कहते हैं। तो ये जो है बेसिकली कृष्णा का जन्मदिन का जो डेट है वो है। और दही हंडी इसलिए फोड़ी जाती है बिकॉज जो कृष्ण जो थे उनको जो मक्खन है बहुत पसंद था। तो जो मटकी होती है बेसिकली, वो माना जाता है कि वो मटकी वो पहले जब वो बचपन में नटखट थे और मटकी को तोड़ के जो मक्खन खा जाया करते थे, तो वहाँ से ये प्रथा शुरू हुई है। उनकी याद में ये प्रथा यहाँ पर होती है और पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में ये बहुत ही उत्सव के साथ में और बहुत ही उत्साह के साथ में मनाया जाता है। तो पहली जो तैयारी है, ओ नो, ये यहाँ पर फेल हो चुकी है। मार तो बहुत लगा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये आसान नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, फर्स्टली हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग, जो कि चढ़ते हैं और ऊपर इतना स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करते हैं, इतना करेज का प्रदर्शन करते हैं। और यहाँ पर अब हम देखेंगे सेकेंड अटेम्प्ट। तो आपको क्या लगता है, सेकेंड अटेम्प्ट में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो सेकेंड अटेम्प्ट यहाँ पर हो रहा है और भाई कंधे तो मजबूत होना चाहिए, उससे ज़्यादा जो है इरादे मजबूत होना चाहिए। बिकॉज ये सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, ये तो मेंटल कैपेसिटी जो है, मेंटली आप स्ट्रांग होंगे तभी आप एक्चुअली इस पर कर सकते हो, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जितने भी लोग पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में जो पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग दही हंडी में पार्टिसिपेट करते हैं, मेरा उनको सलाम। क्योंकि दोस्तों, कितनी लंबी लंबी ऊँची ऊँची दही हंडी की जो मटकी होती है वो लगाई जाती है, कई जगह तो क्रेन से लगाई जाती है, कई जगह पर मतलब कितने जो माले होते हैं, मतलब उसके हाइट के हिसाब से लगाई जाती है। माय गुडनेस, इट इज़ अनबिलीवेबल व्हेन यू सी कि इतने सारे लोग जो है वो चढ़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, एक पिरामिड की तरह बेसिकली पिरामिड बना रहे हैं। और उसके बाद में वो लोग फॉल भी होते हैं, लेकिन फॉल होने के बाद में उनका करेज नहीं टूटता। दोस्तों, ये जो है दही हंडी का जो उत्सव है, हमें ये सिखाता है कि आप चढ़ोगे और गिरोगे लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। ये लड़का अभी चढ़ चुका है और देखते हैं कि ये तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। कमन 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 कमन, अयो, ये गिर गया और उसके साथ में बाकी लोग भी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे गिरे। एक्चुअली जब गिरते हैं तो बड़ा ख़राब लगता है कि इनको कितनी चोटें आई होंगी, लेकिन देखिए इनका हौसला टूटता ही नहीं है दोस्तों, हौसला जो है बरकरार है। थर्ड अटेम्प्ट के साथ में यहाँ पर अब मेरे जो दोस्त हैं सबके साथ मौजूद है। और ये क्या है, यहाँ पर ये बच्ची जो है वो खेल रही है अपने डैडी के साथ में। हाय, व्हाट्स अप, तो अब दोस्तों यहाँ पर फोर्थ अटेम्प्ट होने जा रहा है। कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि जो लोग थक जाते हैं तो उसमें रिप्लेसमेंट भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डटे हुए होते हैं, वो लोग बिल्कुल भी अदली बदली नहीं होते, वो लोग स्टार्ट टू एंड यहाँ पर मौजूद होते हैं दही हंडी के जो मटका जो तोड़ने वाला जो
रिवाज है या फिर जो कंपटीशन है उसके अंदर। और अब देखिए ये मजा चढ़ चुका है और काफ़ी लोग ये जो है पिरामिड ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है। ओ नो ये क्या मतलब यार, एक बंदे का थोड़ा सा वहाँ पर उतना जो है जगह कम पड़ चुकी थी और वो मटकी नहीं टूटी। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो जितने भी साथी के पास मैं एक्चुअली कैमरा लेके जा रहा हूँ ये सब जो है ये सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मटके का पिरामिड बना रहे हैं और पिरामिड बना के तोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप हो रही है, कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, बातें हो रही है कि क्या फेल हुआ, उसे क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या हमें इनपुट करना चाहिए। वह देखिए दोस्तों स्ट्रैटेजी तो हर एक खेल में ज़रूरी है, तो दही हंडी में स्ट्रैटेजी क्यों नहीं। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि दही हंडी के जो बड़े 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 जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें स्ट्रैटेजी का बहुत ज़रूरी हाथ होता है, बेसिकली स्ट्रैटेजी होनी ही पड़ती है। तो अब जहां पर मैंने पॉज किया था वहां से मैं रिज्यूम कर रहा हूं। ये देखिए उसने मटकी को पकड़ लिया है और ये फोड़ चुका है और मटकी टूट गई। वेल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए न्यू विजिटर। एट द सेम टाइम लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अगर इस वीडियो में है तो एक हाय मुझे जरूर भेजिएगा। ऑलराइट टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी।